कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम चौथा जो लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, उस पर बात कर रहे हैं। और एक एपिसोड हमारा आ गया है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस चैप्टर का दिया था। आज हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अभिक्रिया की जो दर है उसकी गणना करने वाले हम। अभिक्रिया की दर है उसकी गणना किस तरह की जाती है, इस पॉइंट पे हम आज हमारी बात करने वाले। तो देखना, अभिक्रिया की दर हम कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया की जो दर है उसको हम कैसे लिखते हैं। कल हमने लिखा था कि अभिक्रिया की दर क्या है, अब सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे। किसकी सांद्रता में परिवर्तन देख रहे थे, अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन आप देख रहे थे, बटा आप देख रहे थे समय में परिवर्तन। कल हमने देखा था कि समय के सापेक्ष अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन देखते हो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखिएगा, यहां मैं एक चीज और चेंज कर रहा हूं इस फॉर्मूले में, प्लस और माइनस साइन ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभिक्रिया की दर है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सांद्रता में परिवर्तन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, सांद्रता को सी से करेंगे और समय में परिवर्तन उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, है ना। कुछ लोगों के समस्या होगी कि सर समय में परिवर्तन क्यों लिखा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि समय के सापेक्ष सांद्रता में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन 10 बजे स्टार्ट की और वो रिएक्शन 11 बजे खत्म हो गई, तो पता कैसे चलेगा कि उस रिएक्शन में कितना समय लिया। तो परिवर्तन ही तो ज्ञात करोगे, 11 बजे में से आप क्या घटा दोगे 10 बजे, है ना। फाइनल समय में से आप क्या घटा दोगे, प्रारंभिक समय घटा दोगे, तो आपके पास है वो समय में परिवर्तन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या आ गया है, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी आ गया है। और मैं यहां आगे माइनस और प्लस साइन है वो यूज करने वाला हूं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि माइनस और प्लस साइन यूज क्यों किए हैं। तो हम इस फॉर्मूले से भी अभिक्रिया की दर है उसकी गणना कर सकते हैं। और अभी आगे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार अभिक्रिया की दर शब्द नहीं लिखूंगा, मैं आर ओ आर लिखूंगा, इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में अभिक्रिया की दर, ठीक है जी। तो आर ओ आर लिखूंगा, मतलब क्या है, मैं अभिक्रिया की दर की बात कर रहा हूं। तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक है अभिक्रिया की दर उस पर बात करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास अगर कोई एग्जांपल हो तो मैं अभिक्रिया की दर है उसकी गणना कैसे कर पाऊंगा। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कोई ए है, ए का एक मोल है और वो एक मोल बी में बदल रहा है। ए है वो अभिकारक है और बी है वो उत्पाद है। अगर मैं बात करूं टी बराबर जीरो समय पर, तो टी बराबर जीरो समय का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। टी बराबर जीरो समय का मतलब है अब ये अभिक्रिया शुरू ही हुई है, होने वाली है, ये सुनो ना। तो उस समय केवल और केवल अभिकारक होंगे, उत्पाद होंगे ही नहीं क्योंकि अभिक्रिया अभी शुरू हुई है। तो अभिकारकों की सांद्रता है वो मान ली मैंने क्या, ए नॉट, जबकि उत्पाद है वो अभी जीरो है। कुछ समय बाद की बात करूं, टी समय पश्चात, है ना, टी समय कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, ना, कुछ भी हो सकता है। टी समय पश्चात अगर बात करूं तो मैं ए की सांद्रता है वो ए टी मान लूंगा और बी की सांद्रता है वो बी टी मान लूंगा। ए टी कैसे, अभिकारक है वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे, है ना,
यहां से धीरे धीरे टूटने लगेंगे और उत्पाद बनने लगेगा, मतलब समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती चली जाएगी जबकि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहां आप कह सकते हैं एटी क्या है, वो क्या है ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता थी उसमें से कुछ एक्स टूट गया, ठीक है, और यहां है बीटी क्या है वो हो जाएगा एक्स, बीटी उत्पाद की सांद्रता थी, बीटी अब पैरों में लिखेंगे छोटा सा टी, यहां भी पैरों में लिखेंगे छोटा सा टी, तो बीटी क्या है टी समय पर बी की सांद्रता, यहां से एक्स टूटा और यहां क्या हो गया एक्स बन गया। ऐसा क्यों, देखेगा ये जो तोड़ते हैं हम वो स्टोइकियोमीट्री के हिसाब से तोड़ते हैं और बनाते हैं उत्पाद, वो भी क्या है स्टोइकियोमीट्री के हिसाब से बनाते हैं। स्टोइकियोमीट्री हिंदी में जिसको रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में स्टोइकियोमीट्री। स्टोइकियोमीट्री क्या है, आपके पास ये कोई संतुलित समीकरण है, इस संतुलित समीकरण में आगे जो ये संख्या है जो अभिकारक के मोलों को जो उत्पाद के मोलों को रिप्रेजेंट कर रही है बता रही है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। यहां हमें स्टोइकियोमेट्री क्या बता रही है कि इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, अगर ए का एक मोल लोगे तो बी का क्या बनेगा एक मोल बनेगा, तो मैंने कहा टी समय पश्चात इस अभिकारक की सांद्रता में से एक्स टूटा तो यहां भी कितना बनेगा एक्स बनेगा। आपको तोड़ना भी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, आगे दो अंक लगाए, एक लगाए तो 1x तोड़ना है, यहां दो लगा होता तो 2x तोड़ता, यहां तीन लगा होता तो 3x तोड़ता, यहां एक लगाए तो x ही बन रहा है, यहां दो लगा होता तो 2x बनता, यहां तीन लगा होता तो क्या बनता 3x बनता। ये जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं मैं उनको केमिकल इक्विलिब्रियम 11वीं में जो चैप्टर था रासायनिक साम्य उसमें भली भांति आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो यहां जो at है और सांद्रता हो जाएगी a नॉट माइनस x, मतलब प्रारंभिक सांद्रता में से कुछ टूट गया, और bt है वो हो जाएगा x, जो यहां से टूटा उतना का उतना यहां बन गया क्योंकि इसके एक मोल से यहां भी क्या बन रहा है एक ही मोल बन रहा है, तो यहां से x टूटेगा तो यहां भी क्या होगा x बन जाएगा। ये जोड़ो चलिए, कल हमने एक बात कही थी कि आप अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सापेक्ष भी लिख सकते हैं और उत्पादों के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। जब आप अभिकारकों पर नजर डालेंगे तो आपको एक बात क्लियर कट नजर आएगी कि जो टी समय बाद की सांद्रता है वो कम है और प्रारंभिक सांद्रता है वो ज्यादा है। कारण अभिकारक धीरे धीरे टूट रहे हैं, मैं कहूं समय के साथ अभिकारक विलुप्त हो रहे हैं तो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है भैया, कम हो रहे हैं अभिकारक। और आप उत्पादों पर नजर डालें तो उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब उत्पाद है वो समय के साथ बन रहे हैं। तो अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं, सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और जब मैं अभिकारकों की बात करूं तो यहां मैं एक विशिष्ट शब्द इस्तेमाल करूंगा, देखना क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं ए के विलुप्त होने की दर। इसका मतलब समझिएगा, देखिएगा क्या है इसका मतलब समझिएगा, मैं अभिक्रिया की दर अभिकारक के सापेक्ष भी लिख सकता हूं और मैं अभिक्रिया की दर उत्पाद के सापेक्ष भी लिख सकता हूं। जब मैं अभिक्रिया की दर अभिकारक के सापेक्ष लिख रहा हूं, अभिकारक कौन है ए है, और ए समय के साथ क्या हो रहा है विलुप्त हो रहा है, इसीलिए मैंने जब ए के सापेक्ष दर लिखना चाहिए तो मैंने लिखी ए के विलुप्त होने की दर, है ना। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे ए के विलुप्त होने की दर को, है ना, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, है ना, दर ऐसे लिखते हैं आप, ए के सापेक्ष दर लिख रहे हैं तो आप ए की सांद्रता में परिवर्तन लिख देंगे बटा क्या लिख देंगे ए जो है समय में परिवर्तन लिख देंगे, है ना।
ए के विलुप्त होने की दर क्यों लिखी है? समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए समय के सापेक्ष है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिएगा ए की जो सांद्रता में जो समय के साथ जो परिवर्तन है, अब यहां से देखिए डेल्टा चिन्ह है वो परिवर्तन को दिखा रहा है, बड़ा ब्रैकेट है वो सांद्रता को दिखा रहा है, और नीचे वाला भी डेल्टा है वो परिवर्तन को दिखा रहा है। तो ए की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन देखते हैं, तो सांद्रता में परिवर्तन देखना है तो अंतिम सांद्रता में से क्या घटा दोगे, प्रारंभिक सांद्रता, और अंतिम समय टी है और प्रारंभिक समय कौन है, जीरो है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, वैल्यू रखिए एटी, एटी का मान कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, और उसमें से घटाना क्या है आपको, ए नॉट घटाना है, टी में से जीरो घटाओगे क्या बचेगा, टी, ए नॉट प्लस का था, ए नॉट माइनस का था, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां से आप देखोगे माइनस एक्स बटा टी। तो ए के विलुप्त होने की दर आ रही है माइनस एक्स बटा टी। यहां आपको एक चीज की गौर फरमाने की आवश्यकता है, प्रकृति का नियम है दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जरा समझिए इसको, बेसिक लाइफ से समझना। आप मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बाइक चला रहे, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप बाइक चला रहे हैं, ओके, बाइक तो क्या चला रहे हैं, साइकिल ही चलती है इतने से, तो चलो गरीब है अपने, साइकिल चला रहे। अब आपने ब्रेक लगाया तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर है वो जीरो हो सकती है, साइकिल रुक सकती है, आपके पास चमत्कारिक ब्रेक नहीं है कि आप कहो कि मैंने ब्रेक लगाया साइकिल पीछे दौड़ने लग गई, है क्या चमत्कारी ब्रेक, कि ब्रेक लगाओ और विपरीत दिशा में नेगेटिव हो गई इधर, है ना, आपका थोबड़ा इधर है साइकिल इधर जा रही है, तो भैया साइकिल पीछे नहीं जाएगी, सीधा आप ऊपर पहुंच जाओगे और साइकिल कबाड़ी के पास जाएगी, ऐसा करोगे तो दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे इसको देखो, आपने देखा है बैंक लोन देता है लोगों को, लिखा होता है ब्याज की दर 2%, है ना, मतलब बैंक लोन देगा, मतलब बैंक कस्टमर को लोन देगा और कस्टमर से ब्याज लेगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर वहां बैंक लिख दे ब्याज की दर -2%, मतलब बैंक कस्टमर को लोन भी देगा और जब कस्टमर लोन लेगा तो उसको बैंक उस पे ब्याज भी देगा, ऐसा पॉसिबल होता है क्या, बैंक तो कंगाल हो जाएगा। आ गई कोरोना है भारत में, है ना, आ गई, लोग गरीब हुए, अर्थव्यवस्था है वो खराब हुई पड़ी है, और बैंक ऐसा करने लगा, ऋणात्मक दर देने लगा, तो बस फिर है ना हर हर गंगे, है ना, तो हर हर गंगे हो जाएगी। तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या इलाज करें भाई, तो इलाज किया भाई हमने, इस रेट को पॉजिटिव करने का एक इलाज ढूंढा, देखिएगा वो इलाज क्या है। तो रेट को पॉजिटिव करने का जो इलाज ढूंढा वो इलाज देखे, अगर हम इस पूरी टर्म के आगे मैं अपनी मर्जी से एक माइनस चिन्ह लगा दूं, बढ़िया सुशोभित कर दूं माइनस चिन्ह, है ना, यहां माइनस चिन्ह लगाऊं इस पूरे टर्म के आगे, यहां बढ़िया एक बढ़िया माइनस नीले रंग का लगा रहा हूं, तो माइनस लगा दूं इस पूरी टर्म के आगे माइनस लगा दूं, तो बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स बटा टी हो जाएगा, दर क्या आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी, तो मेरा काम सेट हो गया भाई, जो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती कभी, मेरा काम सेट हो गया। तो यहां जब मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था आर बराबर माइनस प्लस डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, तो माइनस की कहानी आपको बता दी है। माइनस क्या करता है, जब हम अभिकारकों के सापेक्ष दर लिखते हैं तो ये माइनस साइन उस ऋणात्मक दर को धनात्मक बनाने का काम करता है। दूसरी बात, ये माइनस चिन्ह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलुप्त होने को, ये माइनस साइन बता रहा है
कि भाई अभिकारक है वो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं, अभिकारक समय के साथ है वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ये माइनस ही ना होता तो हमें पता नहीं चलता कि अभिकारक विलुप्त हो रहे हैं या नहीं। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, माइनस बता रहा है कि अभिकारक है वो समय के साथ क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो ये विलुप्त शब्द को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, विलुप्त होने को बता रहा है। दर दर याद रखना, किसी भी चीज में समय का भाग दे देते हैं तो वो उसकी क्या होती है, दर। तो एक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, एक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, और उसके आगे माइनस लगा दिया तो वो क्या बन गया, एक के विलुप्त होने की दर है वो क्या हो गया, बन गया, है ना। सांद्रता में कमी हो रही है, ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। अगर मैं कहूं कि यही दर मुझे उत्पादों के सापेक्ष लिखनी है, है ना, यही दर मुझे उत्पादों के सापेक्ष, बी के सापेक्ष लिखनी है, तो क्या लिखूंगा, बी बन रहा है तो मैं लिखूंगा बी के बनने की दर, ये सुनो, बी के बनने की दर। और वही दर कैसे लिखते हैं हम, सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे, बी की सांद्रता में, बटा देखोगे क्या, समय में परिवर्तन। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, तो बी की सांद्रता में परिवर्तन अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अंतिम सांद्रता बी टी कितनी है, एक्स, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, जीरो, और टी में से जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा, टी। तो यहां से आप देख रहे हैं जो बी के बनने की दर जो आ रही है वो आ रही है क्या, एक्स बटा टी आ रही है। उत्पादों के साथ, उत्पादों के सापेक्ष आप देख रहे हैं दर अपने आप ही क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, यहां मुझे कोई भी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। तो ये धनात्मक चिन्ह चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, यही वो धनात्मक चिन्ह है। जब हम उत्पादों से दर लिखेंगे, उत्पादों के सापेक्ष दर लिखेंगे तो धनात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, और अभिकारकों के सापेक्ष अगर दर लिखेंगे तो आप ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल अपनी तरफ से करेंगे। फिर आप एक बात और देख रहे हैं, चाहे आप दर है वो उत्पाद से लिख लीजिए और चाहे दर आप अभिकारक से लिख लीजिए, दर आपके पास क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। यहां भी रही है समान, देख रहे हैं आपके पास अभिक्रिया की दर है वो दोनों ही समय में क्या आ रही है, एक्स वटा टी आ रही है। तो ये माइनस साइन की कहानी पे आपको ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। ए के विलुप्त होने की दर क्यों लिखी है, क्योंकि ए अभिकारक था वो कम हो रहा है। बी के बनने की दर क्यों लिखी है, बी उत्पाद था और वो क्या है, बन रहा है। माइनस साइन विलुप्त होने को बताता है, अभिकारक से लिखोगे तो माइनस साइन लगाओगे। माइनस साइन के दो काम है, एक तो ये बताता है, एक तो ये करता है कि अभिक्रिया की दर को धनात्मक कर दे रहा है, दूसरा हमें ये बताता है अभिकारक विलुप्त हो रहे हैं। और आप देखेंगे चाहे आप दर अभिकारकों से लिख ले और चाहे दर आप उत्पादों से लिख ले, अगर आपको कह दे कि दर एक्स बाई टी है तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा पद अभिकारकों का है, तो जिसके आगे माइनस साइन लगा है वो पद क्या है, अभिकारकों से लिखा हुआ है। तो माइनस का मोटा मोटा काम समझ में आया होगा कि अभिकारक से जब हम दर लिखते हैं तो वो ऋणात्मक आती है, लेकिन दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो उसको धनात्मक करने के लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं अभिक्रिया की कंप्लीट दर लिखूं, है ना, मेरे पास अभिक्रिया कौन सी है, ये पूरी अभिक्रिया है, इस पूरी अभिक्रिया के लिए अगर मैं दर की बात करूं तो देखिएगा मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अभिक्रिया की दर को अभी मैंने आपको बताया मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, आर ओ आर, है ना,
रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर की बात करूं तो जब अभिकारकों से लिखी अभिक्रिया की दर तो क्या आई, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, है ना। और जब उत्पादों से लिखी तो क्या आई, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, है ना। और चाहे अभिकारकों से लिख लो और चाहे उत्पादों से लिख लो, दोनों बार बराबर आई। और वो दर क्या आई है मेरे पास, एक्स बटा टी आई है। तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन हो जाता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये पद है वो अभिकारकों के सापेक्ष है, ये पद है वो उत्पादों के सापेक्ष है, और अभिक्रिया की दर चाहे अभिकारकों से लिखो चाहे उत्पादों से लिखो बराबर आ रही है। और वो कितनी आ रही है, वो x बटा t आ रही है। तो किसी भी अभिक्रिया की दर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वो आप इस तरह से करेंगे, अभिक्रिया की दर लिखने का आपके पास ये तरीका है। कुछ नहीं करना, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अभिकारकों की सांद्रता है तो माइनस आ जाएगा और उत्पादों की सांद्रता है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका था आपके सामने अभिक्रिया की दर को प्रस्तुत करने का, एक्सप्रेस करने का।